उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के चिलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसी के रिश्तेदार मनोज कुमार ने नशे की हालत में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मनोज कुमार पहले भी अपने बीवी बच्चों को मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि बीती रात वह इस घटना को अंजाम दे देगा। आज सुबह मनोज की पत्नी माया देवी जब सोकर उठी तो उसने जुगरा देवी को पलंग पर मृत पाया और उसकी सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव वालों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर चिलिया थाना की पुलिस ने पहुंचकर चैनल खुलवाया तो देखा कि मनोज कुमार जुगरा देवी के ऊपर नशे की हालत में पड़ा है और जुगरा देवी का सर खून से लथपथ था। पुलिस की मदद से मनोज कुमार को उसके ऊपर से हटाया गया और उसे गिरफ्त में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मनोज से हत्या का कारण जानने की कोशिश कर रही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है उसकी मनोज कुमार जो हत्या किया, मनोज कुमार की पत्नी ने सुबह हमको भोर में 5 बजे जगाई। उसने बताया कि जो है घर पे जो है हमारे जो है एक महिला आई थी, उसको जो है वो मनोज ने मारा है, काफी ब्लड व्लड बाहर निकला है। मैं तत्काल में कुछ गांव वालों को बुलवा करके उसको दिखवाया, तब तक जो है वो मतलब मरी पड़ी थी, काफी खून वून निकला हुआ था। मनोज कुमार उसके जो है पास सोया हुआ था, काफी दिनों से मतलब एक वर्ष से काफी दारू रूपी करके अपने पत्नी को भी मारता रहा, जो है बच्चों को मारता रहा। जो है थाना चिलिया के पकड़ी टोला गांव में एक बुजुर्ग महिला जुगरा देवी की करीब 75-80 साल की थी, ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके उनकी हत्या की गई। जो मारने वाला व्यक्ति इनका दूर का रिश्तेदार मनोज है, शराब के नशे में भोर में किसी समय इसने हत्या किया है, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके परिजन आ गए हैं, तहरीर दे रहे हैं, मुकदमा कायम करके इसको जेल भेजा जा रहा है।